हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें सरकारी नौकरी पानी है तो उसके लिए किस किस तरह के हम कोर्सेज कर सकते हैं। तो कुछ कंप्यूटर कोर्सेज मैं आपको बताऊंगी जो गवर्नमेंट जॉब में आपको हेल्प करेंगे। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हर कोई बहुत मेहनत करता है, बट आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसमें हमें हर जगह कंप्यूटर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं जो कि बेसिक कोर्स हैं, जिनको सीखने से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी और आपको पता लगेगा कि ये आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा कोर्स है CCC कंप्यूटर कोर्स। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो 3 महीने से 1 साल के बीच में ही कंप्लीट हो जाता है। दूसरा कोर्स है डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स। ये लगभग हर कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम किसी भी तरह की फ़ाइल्स बना सकते हैं और किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स होता है और 3 महीने से लेके 1 साल तक में कंप्लीट हो जाता है। उससे अगला कोर्स है ADCA कंप्यूटर कोर्स। ये भी एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो हमारा 2 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है, इट मीन्स 1 ईयर में कंप्लीट होता है। इसको हम डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मल्टीमीडिया कंसेप्ट, इंटरनेट ईमेल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में भी 6 सब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट इज़ विजुअल बेसिक, सेकंड इज़ टैली, कोरल ड्रॉ, सी प्रोग्रामिंग, फोटोशॉप एंड C++। सी एंड C++ आर लैंग्वेजेस। ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे तो 1 साल का हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स में। इसके बाद अगला कोर्स आता है ओ लेवल कोर्स। ये एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स है। आप इसे NIELIT से भी कर सकते हैं। ये हमें सर्टिफिकेशन देता है ए लेवल डिप्लोमा की या ओ लेवल डिप्लोमा की। ए लेवल डिप्लोमा कोर्स हम ओ लेवल करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 12th पास होना ज़रूरी होता है। ये वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने 12th किया हुआ है तो। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो कि आपको हर लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हर तरह की जॉब सर्च करने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज के हमारी वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताया। और जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।